नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एडुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसकी तिथि है 7 अप्रैल 2021। बच्चों, जो आपकी कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट नंबर 2 आई है, इसमें आपको करना है अपठित गद्यांश। और आपको पता है अपठित गद्यांश जो आपके क्वेश्चन पेपर में यानी कि आपके प्रश्न पत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। इससे हमारे पेपर में ये आता है और इसमें इसको पढ़ के हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर करने होते हैं और फिर हमें उसके नंबर मिलते हैं। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी वर्कशीट। उससे पहले विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिख लें, कक्षा अध्यापक के नाम में अपने क्लास टीचर या फिर अपने सब्जेक्ट टीचर यानी कि हिंदी टीचर का नाम लिख लें, ठीक है। चलिए अब गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। बच्चों, लेट मी टेल यू, बता दूं मैं आपको कि इसका ना फॉन्ट बहुत छोटा है, तो हो सकता है आपको अच्छे से दिखे ना। आप थोड़ी सी क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव करना, 480 या 360 से कम में मत देखना, जिससे आपको दिखे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं बोल रही हूँ उसको, आप मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, आपको समझ आएगा। राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य विभिन्न जातियों, संप्रदायों, धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों की विविधता के बावजूद एक राष्ट्र की भावना से होता है। समझ गए, राष्ट्र अखंडता क्या होती है? उसका मतलब होता है जब बहुत सारी जाति, कई सारे संप्रदाय, कई सारे धर्म, कई सारे भाषाओं वाले लोग और कई सारे क्षेत्रों का विविधता यानी कि अलग अलग होने के बावजूद राष्ट्र की भावना उन्हें बांधे रखती है। किसी भी देश की ताकत और प्रगति के लिए सभी समाज और समुदायों के बीच एकता और सामंजस्य की भावना होना जरूरी है। तो आप समझे कि किसी भी देश की ताकत और प्रगति तभी हो सकती है, उसकी ताकत तभी बढ़ती है जब उसमें जितने भी समाज हैं, जितने भी समुदाय हैं, वो सब एकजुट होकर रहे और उनमें सामंजस्य की भावना एक दूसरे के प्रति हो। यह एक देश में रहने वाले सभी लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करती है। हाँ, जितनी ये जो भावना है हमारी, एकता की भावना और सामंजस्य की भावना प्रबल होगी, उतना ही मजबूती से हम दूसरे के से संबंध स्थापित कर पाते हैं। असल में राष्ट्रीय अखंडता एक राष्ट्र की पहचान को मजबूत करता है ना। एक राष्ट्र की पहचान को कौन बनाता है? राष्ट्रीय अखंडता। राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक जो हमारे मन से मस्तिष्क से संबंधित है ना, साइकोलॉजिकल, जो किसी राष्ट्र और देश के लोगों में भाईचारा अथवा राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं अपनत्व का भाव प्रदर्शित करती है। तो इससे ही पता चलता है जो ये राष्ट्रीय एकता है कि उनमें कितना एक दूसरे के प्रति अपनत्व है और कितना राष्ट्र के प्रति प्रेम है। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र को सशक्त और संगठित बनाती है। सशक्त यानी कि शक्तिशाली, संगठित यानी कि ऑर्गेनाइज्ड, व्यवस्थित, संगठित, है ना। राष्ट्रीय एकता की ही वह भावना है जो विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जाति, वेश, भूषा, सभ्यता, संस्कृति के लोगों को एक सूत्र में पिरोए रखती है ना। राष्ट्रीय एकता होगी तो सभी जाति के लोग, अलग अलग जाति, वेशभूषा, सभ्यता, संस्कृति के लोग एक दूसरे के साथ एक सूत्र में बंध के रह सकते हैं। अनेक विभिन्नताओं के उपरांत यानी के बाद भी, इतनी सारी विभिन्नताएं होते हुए, अलग अलग चीज़ें होते हुए भी सभी परस्पर मेलजोल से रहते हैं। हमारा भारत देश राष्ट्रीय एकता की एक मिसाल है। हाँ बच्चों, विश्व में सबसे ज़्यादा जो अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग पहनावे के, भाषाओं के जो लोग रहते हैं ना, वो भारत में ही है। जितनी विभिन्नता हमारे देश में उपलब्ध है उतनी शायद ही विश्व के किसी अन्य देश में देखने को मिले। तो जितनी मैंने जैसे आपको बताया हमारे देश में जितनी है ना, इतनी और किसी देश में इतनी नहीं है। जहाँ अनेक जातियों व संप्रदायों के लोग, जिनके रहन सहन, खान पान व वेशभूषा पूर्णतियाँ भिन्न है। तो आपको पता ही है कि यहाँ पे जाति अलग है, संप्रदाय अलग है, लोगों के रहने सहने का तरीका अलग है, खान पान की चीज़ें अलग हैं, पहनने के कपड़े भी अलग हैं, लेकिन एक साथ निवास करते हैं। सभी राष्ट्रीय एकता के सूत्र में पिरोए हुए हैं। जब तक किसी राष्ट्र की एकता सशक्त है, वह राष्ट्र भी सशक्त है ना।
तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे भारत देश की राष्ट्रीय एकता को बनाए रख। वह ये शक्तियाँ इन परिस्थितियों में उसकी अखंडता व सार्वभौमिकता पर प्रभाव नहीं डाल पाती। तो अगर हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं, सामंजस्य की भावना हमारे अंदर होती है, परस्पर हम प्यार से रहते हैं और एक दूसरे के सूत्र को अपने एक दूसरे को एक सूत्र में पिरोए हुए रहते हैं, तो अगर हम इस तरीके से रहते हैं तो बाहर की अगर कोई शक्ति आती है तो हमारी जो अखंडता है वो अखंडता ही बनी रहती है और सार्वभौमिकता पे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु जब जब राष्ट्रीय एकता खंडित होती है तब तब उसे अनेक कठिनाइयों का से जूझना पड़ता है। तो पता हो बच्चों, ये तो बच्चों है ही, अगर हमारी राष्ट्रीय एकता खंडित होती है, अगर हम आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, झगड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते तो बहुत सारी परेशानियाँ आती है ना। अब देखो कुछ दिन पहले ही दिल्ली में कुछ दंगे हो गए थे, तो उसकी वजह से लोगों ने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया, तो कितनी परेशानी आई। तो जब भी हमारा जो एक दूसरे के प्रति प्यार कम होता है, एक दूसरे से हम इतना सामंजस्य नहीं बिठा पाते, तो तभी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चलिए अब ये तो हमने पद्यांश पढ़ लिया, अब इसके आसान से 5 प्रश्न हैं उनके उत्तर कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय अखंडता का क्या तात्पर्य है, राष्ट्रीय अखंडता क्या होती है। तो इसका उत्तर आप क्या देंगे, राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य विभिन्न जातियों, संप्रदायों, धर्म, भावनाओं और क्षेत्रों की व्यवस्था के बावजूद, विभिन्नताओं के बावजूद, है ना। और एक सेकंड, हाँ बच्चों इसको आप भाषाओं करिए, राष्ट्रीय अखंडता से तात्पर्य विभिन्न जातियों, संप्रदायों, धर्म, भाषाओं और क्षेत्रों की व्यवस्था के बावजूद एक राष्ट्र की भावना से है, इसे कहते हैं राष्ट्रीय अखंडता, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ, राष्ट्रीय एकता का राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, किसी भी देश की ताकत और प्रगति के लिए सभी समाज और समुदायों के बीच एकता तथा सामंजस्य की भावना होना जरूरी है। वह एक देश में रहने वाले सभी लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करता है। असल में राष्ट्रीय अखंडता एक राष्ट्र की पहचान को मजबूत करता है, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने इसका उत्तर। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ, हमारा भारत देश राष्ट्रीय एकता की एक मिसाल है, कैसे कैसे है हमारा देश। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हमारा देश राष्ट्रीय एकता की मिसाल है, क्योंकि जितनी विशेषताएं हमारे देश में उपलब्ध हैं उतनी शायद ही विश्व में किसी अन्य देश में देखने को मिले। यहाँ अनेक जातियों व संप्रदायों के लोग, जिनके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा भिन्न है, एक साथ निवास करते हैं और सभी राष्ट्रीय एकता के सूत्र में पिरोए गए हैं। तो ये लिख देंगे आप जो ग प्रश्न है उसके उत्तर में, ठीक है। आ जाते हैं घ प्रश्न की तरफ, घ प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय एकता के खंडित होने के क्या परिणाम होते हैं। तो इसका उत्तर लिखिए, राष्ट्रीय एकता जब खंडित होती है तब उसे अनेक कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। राष्ट्रीय एकता ही वह भावना है जो विभिन्न लोगों को एक सूत्र में पिरोए रखती है। अगर ये खंडित हो जाएगी तो लोगों में एकता और प्रेम की भावना नहीं रहेगी और अशांति और अराजकता फैल सकती है। और एक लाइन और भी दी गई हुई थी लास्ट में, वो भी लिख सकते हैं, या आप इस तरीके से अपने शब्दों में लिखेंगे तो एग्जामिनर पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, कि जब 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 हमारी राष्ट्रीय एकता खंडित होती है तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस तरीके से लिख लीजिए या ये लिख लीजिए, ठीक है। जैसे ये भी लिख सकते हैं, ये अपने शब्दों में लिखा है, जिसका हमारे जो एग्जामिनर होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि बच्चे को समझ है। चलिए 5वां क्वेश्चन, जो लास्ट प्रश्न है इस वर्कशीट का, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो भाई सबको पता है राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय एकता, आप कुछ भी लिख दीजिए इससे मिलता जुलता, है ना। राष्ट्रीय एकता भी लिख सकते हैं, या करके लिखती हूँ मैं आपके लिए, या फिर आप लिख दीजिए राष्ट्रीय क्या अखंडता, कोई भी लिखेंगे ये बिल्कुल ठीक माना जाएगा आपका, ठीक है, राष्ट्रीय अखंडता। तो बच्चों ये थी आज की आपकी आसान सी और बढ़िया सी वर्कशीट, आशा करती हूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो बच्चों अगर आपको हेल्पफुल लगी है
तो जल्दी से अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी मेरी इस वीडियो का लाभ मिले। और एक कमेंट लिख के बताना कि मुझे आपको वीडियो समझ आती है, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है और आपको हेल्प मिलती है कि नहीं मिलती। और हाँ बच्चों, वीडियो को लाइक करके जाएं प्लीज़। थैंक यू।